हेलो जी, राम राम जी। आप सभी को मेरी तरफ से सुबह के बज चुके हैं 7, तो मैं 7 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और भाई मैंने चाय पी है अभी अभी यहाँ पे बैठ के। तो बिट्टू खैरी मम्मी और दूध दे, देखो इसमें सो रही है। और रात को फुल मस्ती की थी बिट्टू ने, तो इसलिए थक रही है, थोड़ी नाची हुई थी। तो सबने चाय पी ली है, लम्बू दादा ने भी चाय पी ली है, और मैं तो पीता भी नहीं है चाय, वो तो सो रहा है अभी तक। तो जीजी पापा ने भी पी ली है। तो मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज जल्दी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए। और आरव भी बाहर चले गए जीजी के पास, तो चलते हैं और पिएगे। तो यहाँ पे भाई देखो, मैंने मटर भी छील लिए हैं और प्याज भी मतलब काटी नहीं, अभी तो काटूंगी मतलब। और पकौड़ी भी बनाएंगे, कल नहीं बनाई थी तो आज बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दिया, इधर आलू और गाजर, आलू गाजर साथ में उबाल लिया है। तो मटर गाजर आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। भाई सुबह के बज चुके हैं 8, और यहाँ पे देखो लम्बू दादा ताप रहा है, दोस्तों सर्दी अब तो और इधर कम पड़ मैंक रही है, और इधर दीदी बैठी है, आरव को लेके। आरव को लेके इधर मेरे दोस्त बैठा है मयंक। ये कौन सी बात करा रहे हो अभी? बहुत ही अच्छा, ये मेरे दोस्त मयंक है जो बहुत ही होनहार अच्छा है, बच्चा है, फड़ा है, बहुत होशियार है ये। और अब इसकी सर्विस लगने वाली है दोस्तों, लग जाए कि बस तो अच्छी फिर बढ़िया बुला। ब्याह में आरव की नजर इसकी दीदी के जंतर पे है, तो आरव बार बार जंतर को देख रहे है। और इधर दादा गए सुबह फैलाने के लिए, इधर कोई नहीं। हेलो दोस्तों, सुबह का टाइम हो चुका है, बज गए 9। तो इधर हमारी जीजी बैठी है आरव को लेकर, इधर कविता बैठी है, इधर मयंक बैठा है। तो दोस्तों अब गाजर का हलवा बनने वाला है गरम गरम, और पकोड़े बनने वाले हैं, तो आप भी खाओ और देखो, और हम भी खा रहे हैं। देखो दोस्तों जीजी का जंतर देखो कितने तोले का है, आज आया तो 1 लाख रुपए का है जंतर। और इधर खड़ाई तैयार कर ली है, अब हलवा बनने वाला है, और भैंसों को बांध दे दिया है दोस्तों। तो भाई अब जा रहे हैं क्योंकि पकौड़ी बनाएंगे, और अब धूप भी आ गई है, बज चुके हैं 9। इधर ताप रहे हैं जी जी लम्बू दादा और आरव जी से साथ में, तो चलते हैं। आ गई है बिट्टू, यहाँ पे खड़ी है, टोपी खा रही है श्याम की। तो इधर जी जी छान रही है कुट्टी। डाल दी और फिर इसको न्यास के फेरनी पड़ती है ऐसे। तो भाई मैं जा रही हूँ नड़ा के पास, जो हमारी टांटी है ना उसके पास, क्योंकि हमारा जीजा जी आ रहा है, मतलब खेड़ला से आ रहा है, तो ड्यूटी जाता है रोज। तो क्या है ना, जो हमारी बहन जी की लड़की का कपड़ा रखा था ना, तो उनको देने के लिए जीजा जी को जा रही हूँ। मैंने कही जीजा घर ही आ जा, पर नहीं खेरे क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, ड्यूटी जाएगा बांधी कोई। तो भाई हम यहाँ पे आ गए हैं, और अभी तक तो आया नहीं है जीजा जी, तो आने वाले हैं थोड़ी देर बाद में। और टाइम भी 9 बज चुके हैं, धूप बहुत अच्छी आ गई है, सर्दी बहुत तेज की पड़ रही थी आज। तो देखो यहाँ पे खड़े हैं, पीछे सिरसो है हमारी, और बिट्टू भी है साथ में, और मैंकर लम्बू दादो। भाई मैंकर लम्बू दादो गए हो फैन वो चाची के घर, दोनों वहाँ पे बतूला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उससे। तो भाई इधर को देखो, जीजा जी आ गए हैं और घर नहीं जा रहे हैं। चलो पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी हाँ, अब तो ड्यूटी टाइम है, तो ड्यूटी जा रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं घर। तो ज्यादा हो रहा है नहीं, अब शाम के आवाज क्लास ड्यूटी क्या की वजह से है जी? ड्यूटी में साल हो गई ना, गाड़ी थोड़ी लेट है। हाँ आज लेट ही है, ड्यूटी के लिए जरूरी है। हाँ मना लिया बड़े शाम की? नो मना लिया, ये पता अभी सही, अभी पता ना आया, अभी सो रहे। दोबारा आज जरूर आने, पता ना आए तो देख कब करी फिर वहाँ। तो जा रहे हैं भाई ड्यूटी। पकौड़ी बन रही है भाई मारे, तत्ती खा लो भाई बहनों। तो ये बना रही देखो, कल तो शाम की तो करी दाल बाटी, सुबह कर
हलवा गाजर का और खाने वाले खा रहे हैं और खाने वाले खा लिया है, खा ली मैंने। तो भाई पकौड़ी बन चुकी है और लास्ट की रही है तो बन रही है और मैं भी खा रही हूँ गर्मा गर्म, अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी खा लीजिए और सब खा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखो लम्बू दादा ने कर लिया है नाश्ता, कर लिया नाश्ता, नाश्ता कर लिया, पकौड़ी गाजर का हलवा दोनों ने कर लिया, मयंक नैर मैंने कर लिया दोस्तों। अब मयंक उठ रहा है, अब मयंक पानी पीने जा रहा है घूमने के लिए। तो भाई मैं खा रही हूँ, अब यहाँ पे छत पे बैठे हैं, फिर कभी तो पकौड़ी दही खा रही है इस टाइम पे। तो भाई शाम का समय हो चुका है, बज चुके हैं 4, तो यहाँ पे लम्बू दादा अब जा रहे हैं। देखो आप तो हिरंडा सो आया। हेलो दोस्तों, और चाय पी ली है तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय, और मेरे साथ जा रहे हैं मयंक और मैं एक भैया भी जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, चल दिए अब हम जयपुर जाएगा भाई, तो 5 बजे ट्रेन है आला हजरत एक्सप्रेस बरेली। तो लम्बू दादा मिलेंगे बाद में, लम्बू दादा राजगढ़ छोड़ेगा मेरे को। हाँ बैठ, और आज तो बुलेट सो आए हमारे घर कल, कल को आए भाई कल शाम को। तो मामा जी आए हुए हैं, तो जीजी वहाँ पे बैठी है। खेल मत दादे ने बच्चा टांग टूट दिया, तू दादा पटक मत दीजिए मोक। तो भाई मैंने पी ली है चाय, और जीजी क्या है ना मामा जी आए हुए हैं तो वहाँ पे बैठी है, और अब मैंने दूध भी काट लिया है तो उसको रखूँगी, फिर उसके बाद सांदी करूँगी बेसन को। और आज पता नहीं बिट्टू पापा, बिट्टू के पापा जी भी आ सकते हैं शाम तक, लेट आएंगे क्योंकि गाड़ी पे के आ गए हैं दिल्ली, तो देखते हैं दिखाते हैं कि नहीं आते हैं घर शाम को। शाम हो गई है, बज चुके हैं 6 या 6:30, तो जीजी भी आ गई है, मतलब घूम के आई है गाँव वाई तो आ गई है, और बिट्टू खा रही है इस टाइम झूला शाम के टाइम, और इसके दादाजी चले गए हैं बत्ती लगाने, तो मैं लगाऊंगी भाई आटा क्योंकि रोटी बनाएंगे। तो देखो आ रहा हूँ, देखो तो चलते हैं और आटा लगाएंगे, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे। और इसके तो चूल्हा जल गया और आटा भी लग गया, और इधर जीजी देखो क्या कर रही, डंडी मार और लग जा फिर। अरे तो कामड़ी दे बदल है ये बेरिया लाठी, ऐसा पोता पोती मारता है, पागल तो है, तू पागल है। जी कर रही है बुआ जी से बात, यह बात तो है ही बुआ, काल परसों की पत्री है तो कहते कुण सुनु खा भगवान सुई खो, मन खे दी बता जो नट भी मनु करो कर कौन आवा का मिला तो नट भी। तो भाई यहाँ पे आ गए बिट्टू के पापा जी और बुआ जी से बात कर रहे हैं, देखो बस अभी अभी आके रुके हैं, हाथ मुंह धोए हैं, तो जीजी ने खा लिया रोटी, और इधर अब भैंसों को बांधे अंदर, ये देखो तब हम भी खाना खाएंगे। तो भाई यहाँ पे खा रहे हैं अब खाना, और बज चुके हैं 7:30, तो बज गए 7:30 का टाइम हो गया, तो मैं भी खा रही हूँ और जीजी पापा जी ने खा लिया दोनों ने, जब ही भाई बना रही थी ना मैं जब ही खा लिया उन्होंने उन्होंने। और तो दोस्तों आ जाइए, आप भी खा लीजिए, और ये चीज़ देखो अचार डाल रखा है नींबू का, और आज भी टुक पापा जी मतलब एक इसी चीज़ ले आए हैं, तो बाद में बताएंगे, तो हम अगला व्लॉग में बताएंगे कुछ लाए उनके लिए। हाँ पालतू चीज़। तो चलो खा लेती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ।